हमारे चैनल लिए हम आपको ले चलते हैं राधे कृष्ण मंदिर रामबाग प्रयागराज, और हम आपको दिखाएंगे बहुत अच्छे अच्छे सीन। और कुछ समय ऐसा है कि हम कुछ जगह हम अपने आप को फेस रिवील नहीं कर पाए हैं क्योंकि कैमरे के पीछे थे, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते हैं वहाँ का वीडियो और एलिफेंट पार्क और रामलीला प्रांगण और अच्छे अच्छे व्यूज़ वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कीर्तगंज पुलिस चौकी है, यहाँ पे त्रिवेणी संगम के लिए सीधा रास्ता जाता है रामबाग बाईपास होते बैराना चुंगी दारागंज और जीरो दारागंज और स्नान करने के लिए। यहाँ ये देखिए हम आ चुके हैं रामबाग नौलखा मंदिर, नवग्रह मंदिर के लिए। नवग्रह मंदिर का दर्शन करिए, इसकी ऐसी वैरायटी, यहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और दशहरा में काफ़ी भीड़ होता है। दशहरा में रामलीला प्रांगण यहाँ पे बना हुआ है जो रामलीला का काफ़ी भव्य उत्सव होता है। और ये देखिए राधे कृष्ण का भव्य प्रतिमा स्थापित किया गया है, और यहाँ पे देखिए सजा भी हुआ है इस प्रांगण। देखिए वहाँ पे राम रासलीला होने वाला है, इसके जस्ट उस साइड जहाँ लाइट जल रही है, लाइट उधर ही हो रही है रासलीला 9:30 बजे। आज नौमी थी है, अष्टमी नहीं, नौमी तिथि को हम आए हैं, अष्टमी को नहीं आ पाए थे, दवा कराने आए थे। जैसा कि आप जानते हैं हमें काफ़ी हमें एक्सीडेंट हो गया, हमें काफ़ी चोट आई है, इसके वजह से हम कैमरे के पीछे काफ़ी दिन तक नहीं आ पाए, अपने आप को नहीं रख पाए। 10 दिन बाद 12 दिन 15 दिन बाद हमारी वीडियो आ रही है चैनल पे। और ये देखिए वीडियो काफ़ी अच्छा सीन है, यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु और यहाँ पे मिलिट्री के जवान भी को भी यहाँ पे लाया गया है टूर के लिए, काफ़ी भव्य है। ये देखिए रिकॉर्डिंग करते हुए, ये देखिए अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होता है, ये देखिए बंदूकधारी जवान। और काफ़ी अच्छा लगता है जब देश के जवान कहीं जाते हैं घूमते हैं और हमारे साथ हमारे बीच में रहते हैं, तो काफ़ी प्राउड होता है अपने आप को। इसी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी मात्रा में भीड़ को देखते हुए यहाँ पे बंदोबस्त भी किया गया था जो कि सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए। काफ़ी भव्य उत्सव होता है रासलीला रामलीला, रामलीला प्रांगण है यहाँ पे, काफ़ी भव्य होता है रासलीला रामलीला। ये देखिए सजा हुआ लाइट के, यहीं पे रासलीला होने वाला है, जूम के माध्यम से दिखा रहे हैं लेकिन लाइट के वजह से वहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच पा रही। देखिए अंदर का इतना खूबसूरत सजा हुआ है, अंदर जाना अलाउड नहीं है मोबाइल लेकिन ये बाहर का दृश्य इतना खूबसूरत सजा हुआ है। ये देखिए उत्सव कितना अच्छा भव्य, ये जो भी दिख रहा है आपको ये पहाड़ बने हुए हैं गुंबद जहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको दिखाया गया है इसके ऊपर। तुमको तो रास्ते में बोल रहे खींचने कटे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो तुम हो कि तुम क्या करती हो कि चलते हुए रिकॉर्डिंग करना है, हटो। अरे इनको करने ही नहीं आता है रिकॉर्डिंग, क्या बताएं, इसलिए हम अपने हाथ में थामे हैं फोन। ये देखिए इसके ऊपर
साहब नीला प्रांगण है, आ जाओ। ओ राम लंका लक्ष्मण अशोक वाटिका सारे चीज का यहाँ प्रदर्शन होते हैं। ये देखिए अशोक वाटिका है और यहाँ पे सामने की ओर यहाँ पे गंगा माँ है, सरस्वती गंगा और यमुना तीनों को दर्शाया गया है यहाँ पे। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। ये देखिए काफ़ी भीड़ रहता है दोस्तों। अगर पसंद आएगी हमारी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये देखिए सामने की ओर राम मंदिर कितना खूबसूरत है। नमस्ते, आपका हार्दिक स्वागत है R1S के रोज यूट्यूब चैनल में। हमारा एक नया चैनल स्टार्ट होने वाला है, एजुकेशनल और टेक का चैनल। तो हम अपने इस चैनल के नीचे उस चैनल का लिंक दे देंगे, जहाँ से आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फिलहाल हम चलते हैं एक फिर जन्माष्टमी के अवसर पे एक अनोखा मंदिर का दर्शन कराने, श्री कुंज बिहारी श्री कृष्ण राधे मंदिर और रामबाग टेंपल जो हमारे। चलिए तो देखिए, एंजॉय करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे अगले चैनल का जो है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, जहां से आप जाके उस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साइंस और मोटिवेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे चीज़ के उसमें हमारे चैनल का लिंक है, उस पर जाकर सब्सक्राइब करिए, आपको हर तरह के वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू, देखते रहिए, एंजॉय करिए, करिएगा। हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है नए चैनल का, वहां से जाके सब्सक्राइब और लाइक करिए।